वेलकम टू फूड गणेशा हिंदी। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले तो प्याज के हमें इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से हम कट करेंगे। एकदम पतला पतला आपको कट करना है, जितना पॉसिबल हो उतना इस तरह से राउंड शेप में हम कट करेंगे। इस तरह से राउंड शेप में टुकड़े कर देने के बाद ये जो रिंग है वो सारी हम अलग करेंगे। इस तरह से बहुत ही फटाफट हो जाएगा, सारी रिंग्स हम इस तरह से अलग कर देंगे। ये जो पैटर्न है वो सूरत की डुम्बस एरिया में जिस तरह से बनाते हैं, सूरत गुजरात डुम्बस में, तो उस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से सारी राउंड्स हमने सेपरेट कर दिए हैं, राउंड रिंग इस तरह से हम प्रेस करेंगे ताकि वो टूट जाए बीच बीच में। अब जो है हम एक मिर्ची थोड़े बीज निकाल के हम इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में कट करेंगे। एकदम बारीक एकदम फाइन कट करना है आपको। तो जितनी प्याज की क्वांटिटी है उतनी ही मिनिमम बेसन की क्वांटिटी हम यूज करेंगे। बेसन एक बाउल में बेसन और प्याज दोनों मिक्स करेंगे, जिसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक, हींग, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आधा लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, बारीक कटे हुए धनिया पत्ते ऐड करेंगे इसमें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और हाथों से इसको सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से आप मिक्स करोगे तो ये जो ऑनियन रिंग्स थी जो हमने सेपरेट की थी वो थोड़ी थोड़ी टूटने लगेगी। और इसमें आप बेसन डाल सकते हो जरूरत पड़ने पर। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि प्याज जो है वो धीरे धीरे करके पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए हम शुरुआत में ज्यादा नहीं डालेंगे पानी। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको सारे मसाले मिक्स करेंगे। अगर आपको बेसन कम लगता है तो ऊपर से एक दो स्पून आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बेसिक इतना ही इनफ है प्याज के पकौड़े में बेसन। तो अब जो है एकदम परफेक्ट है, आप ये टेस्ट कर सकते हो ताकि आपको पता चले नमक या ऐसा कुछ भी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो नमक, लेमन, नींबू का रस इसमें आप जरूर ऐड करना, क्योंकि ये जो प्याज है प्याज के पकौड़े जब हम फ्राई करते हैं तो वो थोड़े मीठे लगते हैं, तो थोड़ा सा खट्टापन हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, गैस की फ्लेम जो है वो आपको मीडियम रखनी है। शुरुआत में एक ड्रॉप हम ऐड करेंगे बैटर में से, जस्ट चेक करने के लिए। तो तेल कम्प्लीटली रेडी है फ्राई करने के लिए पकौड़े। तो यहाँ से हमें जो लेना है उसके हमें बॉल्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमने इसमें कुकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डाले हैं। इंस्टेड हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे, ये जो प्याज और बैटर जो है बेसन का, और इस तरह से बीच में से प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो एकदम पतला सा लेयर हो गया है। इस तरह से बीच में थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इमीडिएटली हम ऑयल में ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। तो ये जो टेक्निक है बहुत ही यूजफुल है। इस तरह से हम प्रेस करेंगे, बहुत ही पतला लेयर बनाएंगे और धीरे से अंदर डाल देंगे, क्योंकि अगर आप बॉल के फॉर्म में बनाओगे तो उसमें आपको कुकिंग सोडा कंपलसरी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में से फिर अच्छे से कुक नहीं होंगे। लेकिन इस तरह से अगर आप ऐड करोगे तो कुकिंग सोडा डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और थोड़ी ही मिनटों में प्याज के पकौड़े बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम एकदम पतला लेयर करके हम इसमें पकौड़े डालते जाएंगे। पकौड़े ऐड करने के बाद 2 मिनट के बाद ही हम इसमें ये ऐड कर इसको फ्लिप करेंगे, क्योंकि अगर एकदम फ्रेश हमने ऐड किए होंगे और तुरंत ही हम इसको फ्लिप करेंगे तो बेसन जो है वो इसके साथ चिपक जाएगा, इसीलिए 1-2 मिनट के बाद ही हम इसको सेपरेट करेंगे एंड फ्लिप करेंगे इस तरह से। तो प्याज के पकौड़े हैं वो इंस्टेंटली 5 मिनट में बन जाते हैं।
तो अभी अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा, और आपको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। तो पकौड़े एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। हम अच्छे से तेल इसमें से निकाल के ही सर्विंग प्लेट में ऐड करेंगे। प्याज के पकौड़े हमेशा आप गरम गरम ही सर्व करें, इसके साथ आप इमली खजूर की चटनी या तो फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार आप चखोगे, टेस्ट करोगे बना के, उसके बाद ही आपको इसका रियल टेस्ट पता चलेगा। कैसा लगा कौस्तुभ को? कैसा लगा? पर क्यों लाइक हुए तो के? यम्मी 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 यम्मी। हाँ खाइस ना।